खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोहाना के पास भैंसवान गांव की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। वीडियो में आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग एक एम्बुलेंस में सवार थे और पैसों से भरा बैग उसमें था। लेकिन जब केनाइन मीडिया ने इस वीडियो की पड़ताल की और हम जा पहुंचे भैंसवान चौकी इंचार्ज अमित के पास, अमित ने इस पूरी खबर का पटाक्षेप किया। उन्होंने बताया कि ऐसी एक एम्बुलेंस आई जरूर थी, लेकिन उसमें चालक एक यूपी का रहने वाला था जो कि अपने गंतव्य को जा रहा था। रास्ते से एक मुस्लिम व्यक्ति ने भी उससे लिफ्ट ली थी, जिसके कारण एम्बुलेंस में दो व्यक्ति सवार थे। लेकिन जिस तरह से वीडियो में बोला जा रहा है कि पैसे का बैग उसमें भरा हुआ था और जाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं है। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था जो कि जम्मू कश्मीर में नौकरी करता था और वो अपने गंतव्य यानी कि अपने घर एम्बुलेंस लेकर जा रहा था, जिसे जाना था। पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की गई है, घिलोड चौकी में बकायदा इसका मामला दर्ज किया गया है और भैंसवान चौकी के पास जो है उनको रोका गया था। लेकिन जांच में किसी भी प्रकार का कोई पैसों का बैग नहीं मिला है और जो भी वीडियो में बोला जा रहा है, ऐसी खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और अफवाहों का बाजार आज गर्म है, इन अफवाहों की तरफ ना ध्यान दें, क्योंकि कोरोना से आज पूरा भारत लड़ रहा है और इस मुहिम में जो है सभी को एक साथ आने की जरूरत है। केएनएन मीडिया के लिए भैंसवान से अमित सबरवाल की रिपोर्ट। अच्छा, कल ये सूचना मिली थी गिलोड चौकी की तरफ से हमें, भाई एक एम्बुलेंस आ रही है उसको राउंड अप करें। तो इस एम्बुलेंस को हमने राउंड अप कर लिया था, तो गिलोड के कुछ व्यक्ति भी साथ साथ आ गए थे, तो उन्होंने वीडियो बना ली थी इसमें भाई, और उनका कहना था भाई इसमें कुछ पैसे हैं, पंजाब की शराब है। तो हमने चेक किया था उसको, तो ना तो उसमें ऐसी कोई शराब थी और ना ही कोई पैसे थे ऐसे कि भाई पैसे भरे हों इसमें शराब हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ वेरीफाई नहीं हुई। उसके बाद गिलोड चौकी इंचार्ज को बुला दिया गया था और वो गाड़ी और वो जो ड्राइवर था, एक बंदा और था, वो उनको लेके चले गए थे। आगे जो लीगल कार्रवाई है वो आप उनसे पूछ सकते हैं, गिलोड चौकी से आपको पता लग जाएगा इस बारे में। तो पूरी बात थोड़े वो जनता ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो थोड़ी डरे हुई थी वो, तो पूरी बात है लोग चौकी से वेरीफाई कर सकते हो आप।